देखिए, हिंदी में एक शब्द है अभद्रता। आम बोलचाल में यूज होता है, लिखने पढ़ने में यूज होता है, तो इस वीडियो में अभद्रता को इंग्लिश और हिंदी में क्या बोलते हैं जानेंगे। एग्जाम्पल से सेंटेंस में यूज करके इस शब्द को अच्छी तरह से समझेंगे। देखिए, अभद्रता मतलब होता है द स्टेट और सिचुएशन ऑफ बीइंग रूड एंड इमोरल। देखिए, बदतमीज होने की अवस्था या भाव, किसी के साथ गुस्ताखाना रवैया, मतलब बेहूदगी या बेहुदा हरकत करना, उसको हम अभद्रता बोलते हैं। इंग्लिश में अभद्रता को बोलते हैं इनडिसेंसी, रूडनेस, डिसरेस्पेक्टफुलनेस, इमोरैलिटी, इम्पोलाइटनेस या इम्प्यूडेंस। हिंदी में अर्थ होता है बेहूदगी, बेहुदा हरकत, अश्लीलता, असभ्यता, बदतमीजी, व्यर्थ बात, स्तरहीन बर्ताव या व्यवहार अभद्रता कहलाता है। अब इसको एग्जाम्पल से सेंटेंस में समझते हैं। जैसे बोलेंगे, उन लोगों ने महिलाओं के साथ अभद्रता की थी, अब पुलिस कस्टडी में है। मतलब वो इंग्लिश में, दोज पीपल हैड मिसबिहेव्ड विथ वुमेन, नाउ दे आर इन पुलिस कस्टडी। तो मिसबिहेव का मतलब भी अभद्रता होता है। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा इसी से संबंधित, कि महिला के साथ अभद्रता करने के वाले आरोपित को न्यायालय ने 6 माह के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। तो मतलब हुआ इंग्लिश में, कोर्ट हैज सेंटेंस्ड 6 months इंप्रिजनमेंट टू अक्यूज्ड हु कमिटेड इंडिसेंसी विद वीमेन। ठीक है, तो उम्मीद है आपने अभद्रता शब्द को इंग्लिश और हिंदी में एग्जाम्पल के साथ में अच्छी तरह से समझ लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेयर डेस्क।